आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ही करारी बनी है। अगर आपने एक बार इस तरीके से फ्रेंच फ्राई बना ली, आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और बच्चे तो इसे बार बार मांग के खाएंगे। तो रतालू फ्राइज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का रतालू लिया है। रतालू यानी कि पर्पल याम, ये एक प्रकार का कंदमूल ही है, जैसा कि आलू है उसी प्रकार का ये कंदमूल है। गुजरात में ये बहुत ही आसानी से मिलता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो इसकी जगह पे ये रेसिपी आप आलू लेके भी बना सकते हो या फिर स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद लेके भी बना सकते हो। सबसे पहले रतालू का जो ऊपर का लेयर है इसे इस प्रकार हम निकाल देंगे। ऐसा करने से बहुत ही आसानी से निकल आएगा, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका कलर दिख रहा है। रतालू जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है और इसके ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी भी लगी होती है, तो इसे अच्छे से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार आप अगर ये रतालू फ्राइज खाओगे ना, आपको आलू फ्राई से भी ज़्यादा यानी कि फ्रेंच फ्राई से भी ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो रतालू की स्किन मैंने अच्छी तरह से हटा दी है और उसके बाद इसे ऊपर से धो लिया है, अच्छी तरह से कपड़े से इसे मैंने क्लीन कर लिया है। अब इसकी हम स्लाइस काटेंगे। तो इस प्रकार मीडियम थिक इसकी स्लाइस काटनी है। जब इस प्रकार की आप रतालू की स्लाइस कर लो, इसे आपको धोना नहीं है क्योंकि रतालू आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा स्टिकी होता है, तो अगर आप इसे धोओगे तो और भी ज्यादा स्टिकी बनेगा। तो अभी रतालू को मैंने काट लिया, तो अभी रतालू की स्लाइस हो गई है, अभी इसे हम फ्रेंच फ्राई की साइज में काटेंगे। इस प्रकार स्लाइस करने के बाद आपको इसे धोना नहीं है क्योंकि रतालू जो है बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, तो अगर आप इसे वॉश करोगे तो और भी ज्यादा स्टिकी हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार इसे हम काट लेंगे। अभी फ्राइज को काटने के बाद सीधी इसे हमें फ्राई करना है, तो यहाँ पे तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अभी गैस की आंच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है, तो इसमें हम ये फ्राइज डालेंगे। जब भी आप फ्राइज को तेल में डालते हो इस प्रकार अलग अलग करके डालें क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टिकी होती है, तो साथ में डालेगी तो फ्राई होने में दिक्कत होगी। अभी धीमी आंच पे इसे हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। रतालू को पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो इसे अच्छे से फ्राई करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप तेज आंच पे कर दोगे तो बाहर से कलर आ जाएगा लेकिन बीच से थोड़ी कड़क लगेगी। अभी इसे फ्राई होते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट से भी ज्यादा हो गई है, आप देख सकते हो इसमें जो बबल्स हो रहे थे अभी थोड़े कम हो गए हैं, तो इस प्रकार इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, तो ये अंदर तक भी पक जाएगी और बाहर से भी एकदम करारी बनेगी। इसे मैं और भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगा। अभी ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, हल्का सा इसका कलर भी बदल गया है, तो इसे हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। तो इसी प्रकार हम सभी रतालू को फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे आप रतालू को फ्राई करते जाते हो उसके ऊपर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे, इसी के साथ थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। ये सारे मसाले आप अपने पसंद अनुसार डाल सकते हो और साथ ही में थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अभी इसे बिल्कुल हल्के हाथों मिला लेंगे। आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ही करारी बनी है। इसके ऊपर आपको जो भी सीजनिंग पसंद है आप वो भी डाल सकते हो। मैं आशा रखता हूं ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही एक मस्त रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।